नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंधन बैंक में बहुत सारे लोगों को जो है जॉब नहीं मिल रहे हैं, या जॉब अप्लाई करने के बाद भी जो है उनको कोई कॉल, SMS या कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब संबंधित जानकारी हो सबसे पहले आप तक मिले। बंधन बैंक के बारे में समय समय पर मैं आपको जानकारी देते रहता हूँ। अगर आप हमारे वेबसाइट में विजिट नहीं किए होंगे employmentguruji.com, तो वहाँ पे विजिट कीजिए, सभी प्रकार के जॉब के बारे में अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि बार बार अप्लाई करने के बाद भी आपको जो है बंधन बैंक से कॉल क्यों नहीं आता है। अगर कॉल नहीं आता है फिर भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, बार बार अगर आप एक ही फॉर्म को बार बार सबमिट करोगे ना, तो हो सकता है कि आपका जो रेज्यूमे है उसमें से कहीं ना कहीं गलती हो सकता है। हो सकता है ये भी कि बंधन बैंक की इंटरव्यू जो है हर महीने में नहीं होता है, हर स्टेट में नहीं होता है। मान लीजिए कि आप जो है वेस्ट बंगाल से हो और जब आप जॉब अप्लाई किए हो तब उसका जो है जॉब का जो ड्राइव है वो शायद हैदराबाद में चल रहे होंगे या किसी और लोकेशन में चल रहे होंगे, जिसके वजह से आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ 15-20 दिन एक महीने के अंदर अंदर आपको जो है रिस्पॉन्स आ ही जाता है। अगर फिर भी अगर नहीं आता है और आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो बंधन बैंक में जॉब करने के लिए, तो मेरे पास और एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों, कुछ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के जरिए आप बैंक में जॉब लग सकती हो। क्योंकि जो है ज़्यादातर अगर आजकल देखा जाए कि जो भी हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है ना, ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो जो है NIIT से आ रहे हैं, फिर ये मणिपाल एकेडमी से आ रहे हैं, वहाँ पे क्योंकि उसका प्रोग्राम चलता है तो वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट को जो है यहाँ से मिल जाता है। बंधन बैंक का इस तरीके से नहीं मिलता है। बंधन बैंक के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है IBP करके, तो वहाँ से आप जो है इसका कोर्स करके आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ, इससे पहले भी मैं आपको बताया था, कुल मिलाकर 90 डेज का कोर्स होता है और यहाँ पे 100% आपको बंधन बैंक में सिलेक्शन हो सकता है। सिर्फ बंधन बैंक भी नहीं, बंधन बैंक के अलावा भी अगर उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरे बैंक में भी आपको सिलेक्शन दिया जाता है। जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, या US फाइनेंस बैंक हो गया, ठीक है, तो उसके बाद एस बैंक हो गया, IDFC बैंक हो गया, तो उसमें भी आपको सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा, उस फॉर्म भरिए, भरने के बाद सबमिट कीजिएगा। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे ओर से आपको कॉल आ जाएगा, इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में आपको बता देगा और ये भी बताएगा कि अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बंधन बैंक में सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर नहीं भी होंगे तो दूसरे बैंक में भी आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो हाँ, और एक दोस्तों, ये जो प्रोग्राम रहेगा वो पेड प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, तो पेड प्रोग्राम रहेगा, उसके लिए फीस वगैरह पेड करना होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। जैसे दूसरे बैंक के लिए जो पेड प्रोग्राम है वो बहुत 2.5-3 लाख रुपये होता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ IBP के जरिए यदि आप कोर्स करेंगे तो बहुत ही कम प्राइस में जो है ये कोर्स कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों 100% जॉब एश्योरेंस देता है आफ्टर जो है कोर्स करने के बाद। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, उसको फिल जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल दूसरे वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।